पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस 373 रन पे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और ये टेस्ट सीरीज अपने नाम की। मैं इनसे दोस्तों से पूछता हूँ कि ये खुश है इस परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की? जी सर। सर पहले आप बताएं आप खुश? मैं तो अब्बास की जो आज बॉलिंग है ना उससे बड़ा खुश। आप बाकियों से नहीं सर, वन बाय वन डिस्कस करेंगे ना। आप बताएं अब्बास की बॉलिंग क्या बताएं? नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग थी, बेस्ट बॉलर जा रहा है टेस्ट। एरन फिंच का आपने उठ देखा? उसका देखा कितना वो आगे खड़ा हो रहा था, फिर उसने कहा नहीं जी कीपर को आगे बुलाया, फिर उसने बॉल किया और उसने बिल्कुल ही मिस कर दी कि बॉल में भी ऊपर गुजर जाए और वो मिडल स्टंप हो। यही तो बात होती है बॉलर की। हां जी जी सर, आसिफ के बाद दूसरे नंबर पे अच्छा बॉलर मिला। पोस्ट मैच में रवींद्र जाने उसको बुलाया ना अब्बास को, उसने पूछा कि जब टीम पेन भी आगे विकेट से खड़ा था, क्रीज से ना बाहर निकल के खड़ा था, कहता बॉलर को ना ईगो प्रॉब्लम होता है कि यार कीपर आगे बुलाऊंगा मेरी बेइज्जती होगी, जारी बात है पेसर नहीं है ये आगे कीपर बुला रहा है, तो कहता नहीं नहीं मेरा कोई ऐसा इशू नहीं है, कहता जब मैं वो आया ना टीम पे तो मैंने उसको स्लिप में सारे शुल को कहा कि तुमने देखना ये खड़ा कहाँ पे होता है, तो कहता उसने मुझे कहा ये तो बाहर खड़ा है, तो कहता मैंने फिर रिजवान को इशारा किया कि आगे आ जाए, कहता वो जैसे ही विकेट के क्रीज के अंदर गया मैंने बॉल इन स्विंग किया उसने लेफ्ट किया बोल्ड हो गया, तो वो बंदा जरा ना हम्बल है। ठीक हो गया सर, आप क्या कहेंगे अब्बास के बारे में? बेहतरीन बॉलिंग भाई, उसने फर्स्ट इनिंग में भी इस तरह ही किया, पांच विकेट, सेकंड इनिंग में भी पांच विकेट, और उसने सही यानी बैट्समैन को आउट किया है। सही बात। और उसके बाद जो बकाया बॉलर्स हैं उन्होंने जिस तरह टेल एंडर्स को आकर उन्होंने विकेट ले लिया, चलो भी मतलब यासर शाह को कह रहे टेल एंडर्स नहीं ये कहना चाहिए नहीं कहना ये यासर शाह सर वजह गया वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पाया? यासर शाह को इंजरी हो गई थी बैक की। अच्छा जी, पिछले साल आपको याद होगा ये इंग्लैंड के टूर पे ही गया था, इसी वजह से नहीं था गया, रिदम में नहीं आया अभी तक, वो रिदम में नहीं आया सर, इंजरी आ जाए वो प्लेयर को बहुत तो मसला। लेकिन यार विराट कोहली इंजरी के बाद आता है उससे भी अच्छा प्लेयर बन गया था, ये तो बात है, विराट कोहली जैसा प्लेयर तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, कहां से मिलेगा विराट कोहली जैसा? मुझे ऊपर भेजे डायरेक्ट ही ऊपर भेज दिया। नहीं अहमद शहजाद नहीं मिला था आपको विराट कोहली जैसा प्लेयर? वो देखो स्टाइल भी पूरा कॉपी करता था, वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखाया था किस तरह स्टांस लेता है, दोनों का शॉट क्या नाम है से आउट होने का जो वीकनेस है वो भी सेम दिखाई थी। हां सेम थी, सेम थी। सर आप कह रहे हैं मैं विराट कोहली फिर हम जाया कर दिया ना, फिर हम जाया अहमद शहजाद ये मिकी आज नहीं ये असल बात पता है आपको क्या है? ये मिकी आज ने उसको नशा दिया, ये जो मैरिजुआना दी सर जाने दे क्या की जाए, तो हो सकता है आपको उसकी जिस तरह वो पिछले मैचों में सरफराज अहमद ने भी लास्ट टेस्ट मैच उसने टाई करवाया, देखो अटैक करो कि आपके पास 340 ओवर आपने उसके लिए बोल रहा था वो बंटे समझ रहा था। अच्छा अच्छा आप बताए सर, आप सेटिस्फाइड है सरफराज की कैप्टनसी से? अच्छा वो जो लेफ्ट में गया इस मैच में तो उसने वाकई बहुत अच्छी कैप्टनसी की। तो क्या आप उसको 20 में खेलता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि आप इंजरी के 20 में खेलता हूं खेलेगा मुश्किल सर, वो मैच छोड़ से सकता है, वो मैच छोड़ेगा उसे पता है मेरे पीछे नहीं, तो नहीं, ये बात नहीं नहीं बात यही है, ये बात उसने मेरी। हां जी टेस्ट मैच में कब इंजर्ड हुआ वो? पहली इनिंग से, दूसरी इनिंग में फिर 81 कर दिया है, उसको बोल लगा बताओ, लेकिन वो इतना इंजरी नहीं हुई उसी वजह से नहीं आ जाया, उसे एक्स्ट्रा कराने के लिए गया हुआ। हां तो अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे हमारा कप्टन है, लेकिन ये है कि चलो खेलेगा, तो कप्टन भाई
उसकी परफॉर्मेंस भी हमारे लिए भाई से फख्र की बात है, और ना करे तो भी दुख की बात है। दुख की बात नहीं तो आपके लिए खुशी की बात है, क्रिटिसिज्म करने का मौका मिलेगा। नहीं 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 जी, हम क्यों क्रिटिसिज्म करना है? देखे भी एक बंदा भी आप कह रहे हैं, देखे अगर एक बंदा पूरे के पूरे एशिया कप में परफॉर्म नहीं कर रहा, उससे पहले आउट हुआ ये तो खिलाड़ी हुआ काम में। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट जो सीरीज आ रही है 2020 उसके बारे में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।